तरफ मुस्लिम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर हम हिंदू हैं तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सारे सनातनी बीजेपी से हैं, सारे हिंदू बीजेपी के हैं। ये सनातन को मिटाने बात करने वाले कैसे हिंदू हो सकते हैं? गाँव में मतदाताओं में अच्छा उत्साह है, अच्छी वोटिंग हो गई, अभी तक 40% वोटिंग हो चुकी है। विकास रोजगार तो जरूरी है ही सही, इस मामले में तो आपको पता है उज्जैन पीछे ही है। युवा ही परिवर्तन लाएगा और युवा ही इस देश को अब चलाएगा। युवा है, युवाओं को कोई वर्क नहीं मिल रहा है। आज हम भी युवा ही है, हमने भी बीकॉम एमकॉम कर रखा, लेकिन हमारे पास कोई वर्क नहीं है। ओनली फॉर राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर। अच्छा, अन्य विकास के मुद्दे? विकास तो चलते रहेगा, होते रहेगा, ओनली फॉर राम मंदिर, जय श्री राम, जय। यह मतलब तो धर्म, दूसरा रोजगार, तीसरा नशे से मुक्ति और चौथा उज्जैन और मध्य प्रदेश में ही शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुले, ताकि युवाओं को उज्जैन से पलायन ना करना पड़े। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की? सनातन धर्म की जय हो। कुल मिला के विकास है, मामा जी का विकास है, मोदी जी का विकास है, उसी बेस पे हमने वोट किया है। 2023 का विधानसभा चुनाव, जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, परसों एक मैच हुआ जिसमें भारत जीत गई एक सेमीफाइनल में, 2023 के इस सेमीफाइनल में कौन जीतने जा रहा है? बाहर जाने के लिए जो आज युवा पीढ़ी सोचती है ना कि हम बाहर जाके विदेश में कुछ कार्य करें, कुछ प्रगति करें, तो वो चीज़ अपने इंडिया में होनी चाहिए, मतलब अपने एमपी में होनी चाहिए। कमलनाथ जी तो हिंदू है, इस उत्तर से जो माया राजेश त्रिवेदी हिंदू है, और कन्या कई हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में हिंदू है, ये तथाकथित हिंदू है। हमने मतलब वोट दिया है, मताधिकार जो भी है हमारा, हमने उसका उपयोग करा है, और महिलाओं का ये है कि महिलाएं भी इस बार वोट डालने के लिए आगे आई हैं। मतदाताओं में तो अभी सनातन का एकदम माहौल है, कोई यहाँ पर बस है ना, सनातन की बात चल रही है और सनातन के हित में वोट डाल रहे हैं। महिलाओं में और बुजुर्गों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? महिलाओं में 500 रुपए की गैस की टंकी और 1500 रुपए जो कमलनाथ जी सरकार, वोटिंग को लेकर जो घोषणा हो गई, जो वादे हो गए, वो सब हो गए, प्रचार हो गया, अभी आज सुबह से मतदान को लेकर महिलाओं में और सभी वर्ग में वोटिंग के प्रति इस बार जुनून है, और घर से निकल कर अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं, और आप देख नहीं सकते, बूथ पे कंटिन्यू भीड़ बनी हुई है। नमस्कार, मैंने अपना वोट दे दिया है, मैंने मेरे राष्ट्रीय दायित्व का कर्तव्य निभा दिया है। आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने राष्ट्रीय दायित्व का कर्तव्य निभाकर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। फिलहाल हम हैं वोटिंग केंद्र के बाहर, आइए लोगों से चर्चा करते हैं क्या माहौल है, क्या उल्लास है, क्या उमंग है वोटिंग को लेकर। नमस्ते, वोट दे दिया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या उत्साह है? आप यहाँ पर केंद्र के बाहर खड़े हैं, आप शायद किसी न किसी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उल्लास देखने को मिला सुबह से वोटिंग को लेकर? जोरदार माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है और बहुत जोरों शोरों से कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है, और लोगों में इस बात परिवर्तन को लेकर उत्साह है। परिवर्तन को लेकर उत्साह है। महिलाओं में और बुजुर्गों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? महिलाओं में 500 रुपए की गैस की टंकी और 1500 रुपए जो कमलनाथ जी सरकार, वोटिंग को लेकर जो घोषणा हो गई, जो वादे हो गए, वो सब हो गए, प्रचार हो गया, अभी आज सुबह से मतदान को लेकर गांव में और सभी वर्ग में वोटिंग के प्रति इस बार जुनून है, और घर से निकल कर अच्छे से वोटिंग कर रहे हैं, और आप देख नहीं सकते, बूथ पे कंटिन्यू भीड़ बनी हुई है, कहीं भी कोई बूथ इस तरह खाली नजर नहीं आ रहा है, अच्छे से अपने लोग खुशी से और अपनी स्वेच्छा से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। आपने दिया वोट? बिल्कुल। आप भी किसी पार्टी से जुड़े या आम मतदाता है? आम मतदाता है। क्या मुद्दों को देखकर आपने वोटिंग की? बस अच्छा काम होना चाहिए, अच्छी सड़कें बनना चाहिए, अच्छे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। वोटिंग को लेकर क्या भीड़ ज़्यादा, कोई परेशानी हुई या फिर कोई किसी तरह की समस्या? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से वोटिंग हुई। आराम से वोटिंग हुई। क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र सिंह लोधी। क्या उत्साह है, और इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव, जो कि 2024 का लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, परसों एक मैच हुआ जिसमें भारत जीत गई एक सेमीफाइनल में, 2023 के इस सेमीफाइनल में कौन जीतने जा रहा है? कांग्रेस जीतने जा रही है, परिवर्तन का माहौल है बराबर। परिवर्तन का माहौल है, क्या कारण रहा है? 18 वर्षों की सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, महंगाई और रोजगार से बहुत परेशान है। महंगाई और रोजगार से बहुत परेशान है। आइए अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे। नमस्ते मैडम, वोटिंग कर दी आपने? नहीं, बस अभी करने जा रहे हैं। अभी करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग करने जाएंगे?
क्या समस्या या फिर क्या आपको आपकी क्या मंशा है, क्या वादे चाहते हैं आप, या फिर किन चीज़ों को देखकर आप किसी उम्मीदवार को चयनित करेंगे? मैं ये देखना चाहूँगी कि आने वाले समय में, है ना, एक तो धर्म के प्रति अपने निष्ठा होना चाहिए, है ना, नेता ऐसा होना चाहिए कि अपने धर्म के प्रति वो जागरूक हो, है ना। हमारे उज्जैनी नगरी में हमारे महाकाल की सवारी निकलती है ना, इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, है ना। अच्छा, विकास के कोई मुद्दे? विकास के मुद्दों में यह है कि आजकल के नए यह जो युवा पीढ़ियाँ हैं, इनके लिए रोज़गार बिल्कुल चाहिए अपने को, है ना, आगे बढ़े, ये गलत इसमें नहीं जाएं, है ना। और यह है कि बाहर जाने के लिए जो आज युवा पीढ़ी सोचती है ना कि हम बाहर जाके विदेश में कुछ कार्य करें, कुछ प्रगति करें, तो वो चीज़ अपने इंडिया में होनी चाहिए, मतलब अपने MP में होनी चाहिए, ये मतलब। तो धर्म, दूसरा रोजगार, तीसरा नशे से मुक्ति, और चौथा उज्जैन और मध्य प्रदेश में ही शिक्षा और रोजगार के केंद्र खुले ताकि युवाओं को उज्जैन से पलायन ना करना पड़े। नमस्ते, आपने वोट दे दिया? बस मैं पर्ची लेके आ रहा मेरा। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे? मुद्दा तो हमारे यहाँ एक ही है, सीएससी की भूमि की सुरक्षा होना चाहिए, विकास रोजगार, अन्य कुछ। विकास रोजगार तो जरूरी है ही, सही इस मामले में तो आपको पता है उज्जैन पीछे ही है। उज्जैन पीछे है, क्यों नहीं है आपको, आपको लगता है क्या? नहीं, मेरा काम पूछना है अभी फिलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ ना जी, बहुत पीछे है इस मामले में। केवल महाकाल है तो काम चल रहा है, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं है। और जो मैं समझता हूँ किसी से ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते आपके, ये खां आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर देंगे, बाकी 18 वर्षों की सरकार में आप उससे संतुष्ट है? नहीं, नहीं, सरकार से संतुष्ट है, सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा है, लेकिन अच्छे, लेकिन और अच्छे रोजगार के अवसर अगर ज़्यादा अवसर और होते तो बहुत अच्छा रहता। चलिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और होते तो बहुत अच्छा होता। आइए अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे हम। नमस्ते आंटी जी, वोटिंग कर दी आपने? थोड़ा साइड में आ जाइए, दो मिनट बाद इधर आ जाइए, इधर। नमस्ते, आपने वोटिंग कर दी? जी। किन मुद्दों को देखकर वोटिंग की आपने? क्या चीज़ें देखकर, क्या जिस भी नेता को हमने चुना है, क्या चीज़ों को देखकर चुना है? अच्छे नेता को देख के चुना हमने, तो जो हाँ अच्छे, क्या क्या काम आपके लिए करके दे? हम लोग काम करके देना पड़ता है ना, लाडली बहना योजना चलाई है। अच्छा अच्छा, लाडली बहना योजना चलाई है। हाँ, उसमें भी तो है, और क्या, और बहुत सारे ऐसे करते ही हैं। मेरी तो अब चला देना। अच्छा, महिलाओं में किस तरीका जोश, उमंग और उत्साह देखने को मिला इस बार के मतदान को? बहुत अच्छा। आपके अन्य सहेलियां, सखियां, साथ में ग्रुप की आंटियां वगैरह सब आ रही हैं वोट देने? सब आ रही है वोट देने। ऐसी तो कोई नहीं कि क्या करेंगे वोट देके, ऐसा तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, 30% आरक्षण मिला महिलाओं को, महिलाओं का 30%, इससे आप खुश है? खुश। अच्छा, आपके ग्रुप में जो महिला है, समूह में जो सखिया है, सहेलिया है, ऐसा तो कोई नहीं है ना जो वोटिंग करने नहीं आई है? नहीं नहीं, आए ना सब, आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं जो जिनको उनके परिवार जन व्हील चेयर पर लेकर आए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्ते अंकल जी, प्रणाम। राम राम। वोटिंग देने आए हैं? क्या क्या चीज़ें देखकर, कितने वोट दे दिए अभी तक? सुनना ही नहीं देता, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इस उम्र में भी इतनी परेशान। बानू साल 92 ईयर्स की इनकी उम्र है जी। मेरे पापा हैं, आपके पापा जी, तो उन्होंने खुद ने इच्छा जाहिर की, थोड़ा साइड में आ जाइए अपन ताकि गाड़ियाँ निकल जाए, उन्होंने खुद ने इच्छा जाहिर की कि आप लेकर आएँ? जी जी, उन्होंने खुद ने कहा है कि हमको सनातन की ओर जाना है, सनातन को जिताना है, इसलिए आज वोटिंग करने आए हैं वो। अच्छा, तो आप इस इच्छा को लेकर आप खुश रहे? खुश है जी, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि आज इस उम्र में भी वो वोटिंग के लिए अग्रसर हैं कि मुझे वोटिंग करना ही करना है, इसलिए आज वोटिंग करने आए हैं वो। बहुत बधाई आपको, और हमें ऐसे युवाओं से और ऐसे बुजुर्गों से भी प्रेरणा लेना चाहिए जो लोकतंत्र के इस राष्ट्रीय पर्व को लेकर इतना सशक्त और इतने जागरूक है कि इस उम्र में भी, इतनी परेशानियों के बाद भी, वो आखिर व्हील चेयर पर ही आए लेकिन वोट देने, मतदान करने जरूर आए। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की? सनातन धर्म की जय हो। कुल मिला के विकास है, मामा जी का विकास है, मोदी जी का विकास है, उसी बेस पे हमने वोट किया है, और हम सभी को आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी इसी मुद्दे पर वोट करें विकास को देखते हुए। हमारे साथ कुछ पार्टी कार्यकर्ता है, शायद आप BJP से हैं? बेशक, सारे सनातनी BJP से हैं, सारे हिंदू BJP के हैं, क्योंकि एक तरफ साइड में आ जाइए, एक तरफ मुस्लिम कहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर हम हिंदू हैं, तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो कोई संदेह नहीं। कमलनाथ जी तो हिंदू है, इस उत्तर से जो माया राजेश त्रिवेदी हिंदू है, और कन्या कई हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में हिंदू है, ये तथाकथित हिंदू है, क्योंकि इनका इनका सोच जिस प्रकार का है वो सबके सामने है। ये सनातन को मिटाने बात करने वाले कैसे हिंदू हो सकते हैं? मुझे आज भी सनातन को मिटाने की बात करेगा, मुझे एक बात बताइए, क्या कोई बीजेपी में होगा तभी वो हिंदू है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सनातन का संरक्षण करेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, वही हिंदू है, क्योंकि जो सनातन को बिठाएगा वो कैसे हिंदू हो सकता है? चलिए, किस तरह का माहौल देखना है, कितना जागरूक है? अच्छा माहौल है, सुबह से मतदान में। अभी आप देख ही रहे हैं, हमारी लाडली बहना आपके सामने खड़ी है, ये कितने उत्साह के साथ क्या नाम लिखा आज वोट डाल के आई जैन, और इसीलिए आपने जा रहे इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे। लाडली बहना जो है कि मतलब जो अच्छी सरकार चला है, जो मतलब गरीबी दूर कर रहे हैं, उसके लिए जो गरीबी दूर करे और जो अच्छी सरकार अच्छी सरकार चलाए, मतलब जनता की सुने, जनता के अच्छे करे, मतलब कौन सुन रहा है अभी जनता की, पिछली सरकार या फिर 15 महीने की सरकार? कमलनाथ किस 15 महीने की सरकार या फिर शिवराज जी की 18 महीने की सरकार? शिवराज जी की 18 सरकार, शिवराज जी है, काम अच्छा कर रहे हैं वो, शिवराज जी काम तो अच्छा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी इधर पास में आ जाइए, क्या आप किसी पार्टी से? जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। क्या आप युवा है, किस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिला युवाओं में आप सुबह से? बिल्कुल, बहुत अच्छा युवाओं के लिए मौका है, बहुत सारा मतदान भी हुआ है, अभी हम 50-55% के ऊपर हमारा मतदान हो चुका है, युवाओं में भारी उत्साह है और सभी सनातन धर्म को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ जन भी जुड़े हैं, आपने वोट दे दिया अंकल जी? हाँ जी, ये वोट दे दिया आपने, वोट दे दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की आपने? विकास और सबका साथ, सबका साथ। चलिए, नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं? नाजिम कुरैशी। मतदान कर दिया आपने? दिखाइए दिखाइए भैया, सब मतदान किस किसने कर दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है? इस बार जो प्रमुख मुद्दा है, जो मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, जो शिक्षित युवा है वो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं अभी, देखना भैया पीछे देखना, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद में बेरोजगारी के बाद में महंगाई, महंगाई आप देखिए, आज पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया है, उसके अलावा गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिल रहा है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। तो इस बार परिवर्तन, जो युवाओं का परिवर्तन है, युवा ही परिवर्तन लाएगा और युवा ही इस देश को अब चलाएगा। महिलाओं में, बुजुर्ग में और आम जन में किस तरह का मतदान को लेकर क्या माहौल रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन क्या वोट करने निकल के घर से आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, बिल्कुल सुबह से आ रहे हैं, मेरे भी आज सुबह जल्दी 8 बजे वोटिंग कर दी थी। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की? शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी, माना कि शिक्षा के आधार पर भी कई कोर्स चालू हुए हैं लेकिन फैकल्टी नहीं पढ़ाने वाली, और बेरोजगारी में भी ये है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती आ रही, युवा है, युवाओं को कोई वर्क नहीं मिल रहा है। आज हम भी युवा ही है, हमने भी बीकॉम एमकॉम कर रखा लेकिन हमारे पर कोई वर्क नहीं है, हमने मतलब वोट दिया है, मताधिकार जो भी है हमारा, हमने उसका उपयोग करा है, और महिलाओं का ये है कि महिलाएं भी इस बार वोट डालने के लिए आगे आई हैं। क्या आपने मतदान का प्रयोग किया? जी बिल्कुल, मतदान का प्रयोग कर दिया। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। विकास के मुद्दे जैसे? जैसे कि राम मंदिर हुआ, बड़े बड़े कॉरिडोर बने, और जो सड़कों का विकास हुआ, जिस हिसाब से 4 लेन बने, हाईवे जो बने हुए हैं, उसको देखते हुए मतदान किया है। आपने? ओनली फॉर राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर। अच्छा, अन्य विकास के मुद्दे? विकास तो चलते रहेगा, होते रहेगा, ओनली फॉर राम मंदिर, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी कह रही है कि अभी जनवरी में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद फिर किन मुद्दों को देखकर वह वोट करेंगे? विकास तो सदा चल रहा है बीजेपी का कार्यकाल में। अच्छा। और विकास तो चलते रहेगा, और काफ़ी विकास करा बीजेपी ने। अगले समय में उद्योगों की बहुत आवश्यकता है, जिस हिसाब से बाहर से कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो आ रही है, जो हमारे मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत उद्योग विकसित होंगे, नई नई कंपनियां आएगी, बहुत सारा उद्योग होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने मतदान किया है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर, बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल हिस्सा ले रहे हैं, बुजुर्ग भी बहुत सारे आए हैं, जिनसे पैरालाइज है वो भी आ रहे हैं, व्हील चेयर पर आए हैं कुछ लोग, मतदान अपना मतदान। कुल मिलाकर लोकतंत्र का पर्व और राष्ट्रीय दायित्व का अधिकार का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं बढ़ चढ़ कर? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल, किसी भी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, सभी कर रहे हैं। वोटिंग कर दी आपने? शुभम गहलोत वोटिंग हो गई है मेरी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोटिंग करी? श्री राम मंदिर, राम मंदिर को देखकर। और क्या विकास का कोई मुद्दा? विकास का मुद्दा है ना, मतलब बीजेपी को वोटिंग किया? हाँ, बीजेपी को वोटिंग किया। युवाओं में किस तरह का उत्साह और किस तरह का उमंग है सुबह से आपको देखने को मिला मतदान को लेकर?
मतदान को लेकर तो अच्छा उत्सव है, यहाँ युवा तो जागरूक हो गया है इस चीज़ को लेकर। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये राम मंदिर और इन सब चीज़ों का। अच्छा, राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के विकास को देखकर आपने कुछ वोटिंग की? राज्य की सुरक्षा, अखंडता, एकता, इसके लिए भी वोटिंग की है। अच्छा, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में? हाँ बिल्कुल ले रही है। ऐसा कोई युवा आपका आपका दोस्त कोई दिखा कि यार भैया वोटिंग का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ऐसा कोई मिला? ऐसा तो कोई नहीं मिला, वोटिंग सभी ने किया। वोटिंग हमारे ग्रुप के तो जितने भी लोग हैं सभी ने वोटिंग, अभी वो लोगों को बोल रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं? बिल्कुल, जो मिल रहा है उसने सभी के सभी वैसे मिलते जुलते सभी को बोल देते हैं कि हाँ वोटिंग की। नमस्ते, क्या नाम लिखते हैं? शशिकांत धोनावत। क्या लग रहा है कब से आप सुबह से यहाँ पर, आप कार्यकर्ता हैं या फिर आप मतदाता हैं? कार्यकर्ता है। किस पार्टी के? कांग्रेस के। क्या माहौल रहा सुबह से, कितने प्रतिशत का आपको लगता है और मतदाताओं में क्या उल्लास है और क्या उत्साह है? देखो यहाँ के लोग क्षेत्रीय वासी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा उत्सव कांग्रेस का रहेगा इस बार, और हम चाहते हैं हमारा भी। लोग घर से निकल कर आ रहे हैं वोट आ रहे हैं? बिल्कुल, सुबह से लगे हुए यहाँ के लोग बाग जो कांग्रेस में वोट डालने के लिए बिल्कुल इच्छुक है, क्योंकि अब सब बदलाव चाहते हैं। देखो जो चल रहा है सब देख रहे हैं, ब्लूटूथ वगैरह पे जो समाज को गाली बक रहा है, जो समाज को गलत बोल रहा है, उसके खिलाफ अब जरूरी जनता जागरूक होना चाहिए। क्या माहौल है मतदाताओं में, किस तरह का उत्साह, किस तरह का उमंग देखने को मिला? मतदाताओं में अच्छा उत्साह है, अच्छी वोटिंग हो गई, अभी तक 40% वोटिंग हो चुकी है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल अच्छे रहते हुए दिख रही है। क्या महिलाएं सिर्फ पुरुष है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं? महिला, पुरुष, नौजवान, जिनके नए वोटर आए वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का प्रदेश में, क्या परिवर्तन की लहर है या फिर वही स्थायित्व रहने वाला है बीजेपी का ही? 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, मतलब कि बीजेपी की सरकार है, क्या इस समय कोई परिवर्तन का माहौल है या फिर यथावत रहने वाला है स्थिति का? परिवर्तन होने वाला है इस बार, 18 साल का जो इनकी कुनीतियाँ है, युवाओं के लिए बेरोजगारी और किसी को मजदूर वर्ग, किसी को रोजगार नहीं मिला, इसलिए हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। हर व्यक्ति परिवर्तन जाता है। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? पवन सिसोदिया। क्या लगता है इस बार जो उज्जैन दक्षिण से जो प्रत्याशी है, दोनों प्रत्याशियों में किस तरह का माहौल है, किस तरह की टक्कर है और कैसी चुनावी कैसी सरगर्मियाँ हैं? टक्कर तो बिल्कुल एकदम बराबर की रहेगी इन दोनों की, परंतु अब क्या बदलाव है, मोहन जी ने 10 साल देखे उनके कार्यकाल, दम वाली बात नहीं रही, सब चलता रहा उनका पन, तो अब क्या चेतन भैया का ज़्यादा प्रभाव है, वो आ सकते हैं चेतन भैया। और भी कई हमारे साथ मतदाता जुड़े हैं, क्या है किस तरह का माहौल है? मतदान कर दिया? नहीं अब जा रहा हूँ मैं तो। जा रहे हैं, क्या क्या लगता है आपके घर में सभी कितने मतदाता है? मेरे यहाँ 5 है। सभी का मतदान हो गया? नहीं अभी 3 का बाकी है। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति है? साइट में जाइए, रोड चलने दीजिए। इस बार तो स्थिति ऐसी लग रही है कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए, ऐसा क्यों? बस माहौल चेंज करना है और क्या। 18 वर्षों में सरकार ने कुछ काम किए बीजेपी सरकार ने? अब जो भी करे वो तो दिख रहे हैं, बाकी अब अपना सरकार चेंज करना है। आप क्या नाम लिखते हैं? नरेंद्र रावल। क्या किस तरह का उत्साह रहा, कितना प्रतिशत आपको लगता है वोटिंग हुआ और महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बच्चे और बुजुर्ग आ रहे हैं? सभी आ रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में? उत्साह तो अच्छा है, उत्साह अच्छा है। क्या लगता है इस बार? एक बार फिर भाजपा सरकार, और उज्जैन दक्षिण से वही भाजपा सरकार, मोहन जी यादव। किस तरह का उत्साह देखने को मिला आप में? इस बार पूरी सरकार जो बनने वाली है पूरी महिलाओं की, आम मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है मतदान? बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, उसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सभी महिला, क्योंकि लाडली बहना का। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, क्या लगता है मतदाताओं में किस तरह का माहौल है? मतदाताओं में तो अभी सनातन का एकदम माहौल है, कोई यहाँ पर बस है ना सनातन की बात चल रही है और सनातन के हित में वोट डल रहे हैं। विकास का मुद्दा, विकास हो रहा है ना, विकास कितना विकास हुआ है उज्जैन में, और भारतीय जनता पार्टी के हित में ही उज्जैन में हमेशा विकास हुआ है। क्या लगता है भैया, क्या नाम लिखते हैं? कुलदीप यादव। क्या लगता है किस तरह का माहौल है? अभी तक का जो विकास हुआ है आने वाले समय में भी ऐसा ही विकास हमेशा चलता रहे। क्या आपने वोट दिया? दिया है भैया। आपके परिवार में किस तरह का माहौल है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं परिवार जन, और जो सिर्फ पुरुषों के अलावा महिलाएं और बुजुर्ग भी हिस्सा ले रहे हैं? बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सब हिस्सा ही ले रहे हैं मतदान में, बुजुर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सभी ने कहा कि विकास को ध्यान में रखकर सभी ने अपने अपने सबके अलग अलग मुद्दे हैं, कोई धर्म की जागरूकता को लेकर वोट कर रहा है, कोई विकास को लेकर वोट कर रहा है, कोई परिवर्तन चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि प्रदेश में और उज्जैन शहर में अपने अपने शहर में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो, कोई चाहता है कि शिक्षा सुदृढ़ हो, कोई चाहता है स्वास्थ्य सुदृढ़ हो, सबके अपने मुद्दे हैं।